मंत्री गजेंद्र सिंह की सर का बड़ा बयान आया है, बीजेपी में 60 दिन से प्रदेश अध्यक्ष नहीं है और अध्यक्ष नहीं होने से कोई पहाड़ नहीं टूट गया। अध्यक्ष के लिए कई चीजों पर गौर करना पड़ता है, पार्टी सर्वसम्मति से ही इस पर फैसला लेगी। नेता के अनुभव और क्षेत्र पर पकड़ देखी जाती है, वरिष्ठ नेता और कोर कमेटी कोई हल जरूर निकालेगी। हमारी पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है, हम जो भी करते हैं विचार विमर्श करके करते हैं और हम सब कुछ फेयरली करते हैं। ऐसा कुछ कोई पहाड़ नहीं टूट गया कि अगर 60 दिन से हमारा प्रदेश हमारा संगठन है, हमारे वेल ऑयल मशीनरी है और अब इसके अंदर बैठ के तालमेल करके सब कुछ बैठ के ये सबसे आम राय सेक्टर ने मांगी है कि बैठ के सर्वसम्मति से सब कुछ मिलजुल के इसका करें, इसके अंदर क्या गलत बात क्या है। ये हमारा जो लोकतंत्रता का जो हमारा जो मेन हमारा जो बैकबोन है, हमारी पार्टी की बैकबोन है, इसमें कोई तानाशाह नहीं है। वन मैन पार्टी वन फैमिली पार्टी नहीं है हमारी, और वन फैमिली पार्टी नहीं है हमारी, बीजेपी और कांग्रेस के अंदर ही अंतर है। तो हम जो भी कर रहे हैं लोकतांत्रिक तरीके से कर रहे हैं, बैठ के और सर्वसम्मति से बैठ के हमारे जो अध्यक्ष जो है चुन लिया जाएगा। अध्यक्ष बनाने के अंदर कई चीजें सोची जाती है, उसे किस एरिया के है क्या ये सब चीजें जो है एक्सपीरियंस क्या रहा है, पकड़ क्या है, लोगों में ध्यान प्रताप होगी, एक्सेप्टेबिलिटी, कई बिंदु आ जाते हैं इसके अंदर। तो आज बैठ के इसका जो है पार्टी के हित में हमारे केंद्र के जो नेता लोग हैं वरिष्ठ नेता प्लस हमारे जो कोर कमेटी के लोग यहाँ से जो दिल्ली पहुंच चुके ये बैठ के इसका समाधान निकाल जाएंगे, इसमें कोई लंबी थोड़ी बात। तो आपने सुना मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर के बयान को, जिन्होंने कहा कि बीजेपी में 60 दिन से प्रदेश अध्यक्ष होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तमाम तरह के पहलू होते हैं जिन पर गौर करना पड़ता है, तमाम तरह की चीजों को ध्यान में रखकर ही सर्वसम्मति से ये फैसला लिया जाएगा।